Hello friends, welcome to Gates Measures. The topic is session layer. Session layer is sixth layer in OSI model from downside. And what are the responsibilities of session layer is? The first and very important responsibility is creating a session. लेयर का नेम ही सेशन लेयर है तो यहाँ पे सबसे पहले बात कर रहे हैं सेशन के ऊपर. लेट्स से दिस इज माय मशीन, माय लैपटॉप. फ्रॉम माय मशीन आई एम जस्ट कनेक्टिंग विद द सर्वर. मतलब अगर मैं अपनी मशीन से या लैपटॉप से या मोबाइल से अगर मैं किसी ऑनलाइन सर्वर को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेट्स से कि मैं SBI पे या PNB पे या फिर OBC पे कोई ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, तो सबसे पहले क्या होगा, वहाँ पे मेरी मशीन से एक रिक्वेस्ट जाएगी उस सर्वर पे. और उस सर्वर पे सबसे पहले यहां पे सेशन लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या आती है, ऑथेंटिकेशन. ऑथेंटिकेशन मींस फ्रॉम माय मशीन आई एम गिविंग माय यूजर नेम एंड पासवर्ड. जनरली हम यही करते हैं, हम अपनी मशीन में जब भी किसी वेबसाइट पे लॉगिन करते हैं जहां पे मतलब ऑलरेडी हमने साइन इन किया हुआ है, तो वहां पे मैं सबसे पहले क्या करता हूं, अपना यूजर नेम एंड पासवर्ड. तो यूजर नेम पासवर्ड यहां पे क्या किस काम के लिए आ रहे हैं, ऑथेंटिकेशन के लिए. मतलब अपनी आइडेंटिटी को हम वहां पे चेक करवा रहे हैं. और वो मेरी आइडेंटिटी कहां पे जाएगी, सर्वर पे जाएगी. सर्वर वहां पे उस आइडेंटिटी को चेक करेगा, वैलिडेट करेगा, एंड देन इट विल रिस्पॉन्ड. और वो रिस्पॉन्ड में मुझे क्या देगा, वो रिस्पॉन्ड में मुझे परमिशन देगा टू क्रिएट अ सेशन. और उसके साथ साथ उसने मुझे क्या प्रोवाइड कर दिया, ऑथराइजेशन. ऑथराइजेशन मींस सेट ऑफ प्रिविलेजेस. मतलब मेरे को ऑथेंटिकेशन तो मैंने दे दी, वहां पे मैंने अब सेशन भी क्रिएट कर दिया. सेशन क्रिएट करने का मतलब है जो नेक्स्ट पेज, जो लॉगिन पेज या जो होम पेज आता है, दैट इज व्हाट कॉल्ड अ सेशन. अब वहां पे मैं जब लॉगिन पेज को ओपन कर लिया, वहां पे लॉगिन के बाद होम पेज आ गया. अब इस होम पेज पे बहुत सारी वहां पे प्रिविलेज मेरे को दी हुई है. जैसे अगर मेरे को कुछ ऑनलाइन पेमेंट करनी है, कोई ट्रांसफर करने है, बेनिफिशियरी ऐड करना है, मतलब ये सारे काम जो है वो मैं क्या कर रहा हूँ, एज ए ऑथराइजेशन. वो काम मुझे उन्होंने ऑलरेडी ऑथराइज किए हुए हैं. मतलब आप किसी भी वेबसाइट पे या किसी भी ऑनलाइन सर्वर पे अगर आप जा रहे हो, तो इट डजंट मीन कि यू कैन एक्सेस ऑल द थिंग्स. मतलब सारी चीजें आप एक्सेस नहीं कर सकते. जो चीज आपको ऑथराइज की होगी उस सर्वर ने, उस कंपनी ने, उस ऑर्गेनाइजेशन ने, सिर्फ वही चीज आप एक्सेस कर सकते हो. लेकिन कब, आफ्टर द ऑथेंटिकेशन. मतलब जब आप अपनी आइडेंटिटी वैलिडेट करवा लोगे, उसके बाद ही आपको वहां पे सेशन मिलेगा. एंड सेशन क्या हेल्प करता है, आप उसके बाद अपना जो भी काम करना चाहते हो वो काम कर लेगा. तो सेशन लेयर की फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हम बोल सकते हैं, दैट इज द ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन. इसके साथ साथ यहां पे मेरे को सेशन रिस्टोरेशन का ऑप्शन आता है, जिसको हम चेक पॉइंटिंग भी बोलते हैं, चेक पॉइंट. सेशन रिस्टोरेशन मींस एक सिंपल सा एग्जांपल है. कई बार हम फायरफॉक्स या मोजिला में कभी हम बहुत सारे टैब्स को ओपन करते हैं, एंड सडनली हमारा अगर सिस्टम बंद हो जाए, तो जब हम सिस्टम को दोबारा रीस्टार्ट करते हैं, वहां पे ऑप्शन आती है रीस्टोरेशन की. मतलब वहां पे आपने जो भी टैब्स पहले ओपन किए हुए थे, वो टैब्स को आप दोबारा से खोल सकते हो. जस्ट क्लिक ऑन दैट रीस्टोरेशन ऑप्शन, और वहां पे आपके टैब्स जो है वो दोबारा ओपन हो जाएंगे. दैट इज कॉल्ड अ सेशन रीस्टोरेशन. मतलब ये डिपेंड करता है कंपनी बाय कंपनी. कुछ कंपनीज होती हैं जो आपका सेशन जो है वो क्रिएट करके रखती हैं. जैसे जीमेल है, अगर आपका सिस्टम बंद हो गया, आपने ब्राउजर दोबारा ओपन किया, वहां पे कुछ नहीं आएगा, लेकिन वहां पे राइट साइड में ऊपर एक ऑप्शन आएगी रीस्टोरेशन का. जैसे ही आप रीस्टोरेशन पे क्लिक करोगे, आप जीमेल में दोबारा ऑटोमेटिकली लॉग इन हो जाओगे. तो वहां पे मेरा बताने का फंडा क्या है कि हम यहाँ पे जो स्टेट थी, मतलब जिस टाइम पे हम उस सिस्टम को यूज कर रहे थे, उस टाइम पे जो भी स्टेट्स थी, जो भी वैल्यूज थी, वो वैल्यूज सेशन लेयर क्या करता है, वहां पे सेव कर देता है. इसको ये यूज क्या करते हैं, सेशन बीन्स यूज करता है. और सेशन बीन्स का एडवांटेज क्या है यहाँ पे,
कि जो भी वैल्यूज थी उस टाइम पे वो वैल्यूज को वो सेव कर लेगा। तो नेक्स्ट टाइम अगर मेरे को सेशन को रीस्टोर करना है तो मैं सेशन को सिंपली रीस्टोर कर लूंगा, आप जीमेल में ऑटोमेटिकली लॉग इन रहोगे। लेकिन अगर आप पहले यूज कर रहे थे SBI ऑनलाइन बैंकिंग और आपने ट्रांजेक्शन करने वाले हो OTP तक पहुंच गए, लेकिन इतने में आपका सिस्टम या तो बैटरी की वजह से या पावर की वजह से आपका सिस्टम बंद हो गया, आपने फटाफट सिस्टम को दोबारा ऑन किया, जैसे ही आप ब्राउजर ऑन करोगे रिस्टोरेशन पे क्लिक करोगे, लेकिन वहां पे SBI वाला आपको उसी जगह पे लेके नहीं जाएगा, आपको दोबारा से लॉग इन करना पड़ेगा। बिकॉज वहां पे सेशन तो रिस्टोरेशन हो रहा है लेकिन उस टाइप के सेशन को यहाँ पे डिस्कार्ड करना पड़ता है, कैंसिल करना पड़ता है, ताकि कोई बंदा उस सेशन को हाईजैक ना कर ले। अदरवाइज वो वहाँ पे सिक्योरिटी कंसर्न्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कई कंपनीज क्या रखती हैं, सेशंस को रीस्टोर कर सकते हैं, कईयों में हम सेशंस को रीस्टोर नहीं कर सकते। लेकिन ये सेशन लेयर आपको प्रोवाइड करता है ये चीज कि अगर आप सेशंस को रीस्टोर करना चाहते हो या नेक्स्ट टाइम सेशंस को सिंपली डिस्कार्ड करना चाहते हो, उसको कैंसिल करना चाहते हो, तो दिस इज द थर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी विच इज प्रोवाइडेड बाय द सेशन लेयर, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेशन लेयर। अदर देन दिस, आफ्टर द सेशन रीस्टोरेशन और चेक पॉइंटिंग भी यही होता है कि जैसे अगर आप सिंपल एक वीडियो डाउनलोड कर रहे हो, लेट्स से कि वीडियो का साइज है 500 MB, अगर आपने यूट्यूब पे देखा हो, यूट्यूब पे क्या होता है कि कुछ कुछ टाइम बाद वहां पे वैल्यूज होती है, मतलब वो चेक पॉइंट क्रिएट करके रखता है। अगर आप डाउनलोड कर रहे हो और डाउनलोडिंग आपकी लेट्स से वो क्या करता है, चेक पॉइंट बना के रखता है, मतलब आफ्टर एवरी 100 MB लेट्स से देर इज सम चेक पॉइंट्स। तो अगर आपकी वीडियो लेट्स से कि 250 पे वहां पे वीडियो जो है आपकी डाउनलोडिंग रुक गई, किसी वजह से डाउनलोडिंग जो है कनेक्शन टूट गया या किसी वजह से भी डाउनलोडिंग जो है वो बंद हो गई आपकी, तो नेक्स्ट टाइम जब आप डाउनलोडिंग दोबारा से रिज्यूम करोगे तो वो सीधा आपकी 200 से स्टार्ट होगी। मतलब आपको दोबारा से जीरो पे जाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली कहां से स्टार्ट करोगे, लास्ट चेक पॉइंट से। तो इससे क्या है, हमारी परफॉर्मेंस और टाइम सेविंग भी हमारा यहां पे हो रहा है। नेक्स्ट इज व्हाट, आफ्टर द सेशन रिस्टोरेशन, ये हेल्प करती है वेब कॉन्फ्रेंसिंग या वेबिनार में क्या होता है, या जिसको हम लाइव टीवी भी बोल सकते हैं। लाइव टीवी में हम क्या करते हैं, कई बार क्या होता है कि लाइक लॉट ऑफ पीपल आर सिटिंग और वो आपस में क्या कर रहे हैं, चैट कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं। अब वहां पे कई बार क्या होता है, लिप सिंक की प्रॉब्लम आ सकती है, मतलब कि बंदा कुछ और बोल रहा है और वहां पे कुछ और चल रहा है। ये कई बार हम मूवीज में भी, जब हम मूवीज चलाते हैं तो कई बार क्या होता है कि डायलॉग बाद में आ रहे हैं और वहां पे जो डायलॉग डिलीवर पहले हो गया और नीचे सबटाइटल लेट आ रहा है। मतलब इसमें प्रॉब्लम क्या है, सिंक्रोनाइजेशन की, फ्लो कंट्रोल की प्रॉब्लम है यहाँ पे। तो सेशन लेयर यहाँ पे सिंक्रोनाइजेशन भी प्रोवाइड करता है। सिंक्रोनाइजेशन मींस कि ऑडियो और वीडियो जो है वो सेम तरीके से चल रही है, मतलब जिस टाइम पे ऑडियो चल रही है या वीडियो चल रही है सेम उसी टाइम पे डायलॉग भी डिलीवर हो रहे हैं। अदरवाइज डायलॉग अगर आगे पीछे चल रहे हो तो ऑब्वियसली वहां पे मजा नहीं आएगा मूवी देखने का, तो और कम्युनिकेशन करने का भी मजा नहीं आएगा। तो इसीलिए जब एक बंदा वेबिनार में जब एक बंदा बोल रहा होता है तो बाकी लोग क्या होते हैं उस टाइम पे सुन रहे होते हैं, तो यानी जब वो बंदा बोल रहा है तो जो वो बोल रहा है यानी एक्सेस उसके पास रहे और जो वो बोल रहा है वो एज इट इज वहां पे फ्लो होता रहे। तो इसीलिए यहां पे फ्लो कंट्रोल एंड सिंक्रोनाइजेशन में भी सेशन लेयर जो है यहां पे हेल्प करती है। सो दीज आर दी बेसिक एडवांटेजेस ऑफ द सेशन लेयर, और वी कैन से रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द सेशन लेयर। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है सेशन लेयर के बारे में एक बात, कि जितनी भी लेयर्स हैं OSI की लेयर्स हमने डिस्कस की है अभी तक, सेशन लेयर एंड प्रेजेंटेशन लेयर ऐसी है जो ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड नहीं करता। मतलब जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम का, जो ऑपरेटिंग सिस्टम या कर्नल का कोड है उसमें नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर की कोडिंग वहां पे अवेलेबल है, एप्लीकेशन लेयर की कोडिंग अवेलेबल, लेकिन सेशन लेयर की वहां पे कोडिंग अवेलेबल नहीं है। तो सेशन लेयर ऑपरेटिंग सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है वहां पे प्रोवाइड करना, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उस एप्लीकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिस एप्लीकेशन को आप यूज कर रहे हो। मतलब जो भी एप्लीकेशन आप यूज कर रहे हो, चाहे मोबाइल ऐप यूज कर रहे हो या वेब ऐप यूज कर रहे हो, उस वेब ऐप में ये ऑप्शंस होनी चाहिए।
मतलब अगर आप सिंपली एक SBI के सर्वर पे लॉग इन कर रहे हो तो सबसे पहला पेज क्या आता है, एंटर योर यूजर नेम एंड पासवर्ड। तो एंटर योर यूजर नेम एंड पासवर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी उस मशीन के ऑपरेटिंग सिस्टम की नहीं है, वो एप्लीकेशन जो एप्लीकेशन आप यूज कर रहे हो लाइक HTTP के थ्रू अगर आप वहां पे अपना यूजर नेम पासवर्ड भेजोगे, जो ये आपकी मशीन से यूजर नेम पासवर्ड जाएगा तो कैसे जाता है, http/sbi.com, मतलब HTTP प्रोटोकॉल को यूज कर रहे हो। तो अगर HTTP ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन यूज करना चाहता है तो वो अपनी ऐप जो है एप्लीकेशन लेयर पे ये काम है, ये काम ऑपरेटिंग सिस्टम लेयर पे, ऑपरेटिंग सिस्टम का काम ये नहीं है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेशन लेयर के बारे में। सो थैंक यू गाइज, इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज शेयर इट, थैंक यू।